हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज अपन जो राजस्थान बोर्ड ने जो मॉडल पेपर डाला है उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं अपन। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग एफ इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल बी। ठीक, दो चार्ज हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो थ्री टाइम कर रहा है, तो बोल रहा है कि थ्री टाइम करने के बाद फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अपन ने कूलम्स लॉ पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होता है कि एफ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, आर स्क्वायर के। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। इट मीन्स अपन लिख सकते हैं कि एफ वन बाई एफ टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर टू बाई आर वन, और इसका मैं कर रहा हूं बेटा होल स्क्वायर। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में पहले मैं डिस्टेंस कंसिडर कर रहा हूं कि आर वन जो है वो आर है और इनिशियली फोर्स जो है वो कितना है बेटा एफ है, तो आर टू जो है बेटा वो कितना हो जाएगा थ्री आर, और F2 का वैल्यू अपने को फाइंड करना है कि F2 कितना रहने वाला है। ठीक है, तो अपन रख देते हैं यहां पर इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा बेटा F बाई F2 इक्वल्स टू R2 कितना है 3R बाई R, और उसका है 4 स्क्वायर, तो R से R कैंसिल होने वाला है, तो यहां से क्या हो जाएगा F बाई F2 इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर करें तो 9, तो F2 कितना आ जाएगा F by 9, F2 का वैल्यू कितना आ गया F by 9। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा होगा बेटा C, कौन सा ऑप्शन होगा C, कि अभी यदि अपन डिस्टेंस को थ्री टाइम्स कर देते हैं पहले वाली की तो फोर्स क्या हो जाएगा पहले वाले का F by 9 हो जाएगा, पहले F था तो अब 1/9 टाइम्स हो जाएगा उसके। ठीक है, क्योंकि यहां पर अपन डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो सीधी सी बात है डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन है बेटा ये है आपका, टू रेजिस्टेंस वायर ए एंड बी आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, दो वायर हैं वो आपके सेम मटेरियल से बने हुए हैं, इसका मतलब इनकी रेजिस्टिविटी क्या है सेम है। रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि किस पे डिपेंड करती है, आपके नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर। तो यहां पे वायर ए हैज ट्वाइस द लेंथ, ए की जो लेंथ है वो ट्वाइस द लेंथ एंड ट्वाइस द रेडियस ऑफ वायर बी, वायर बी की लेंथ के टू टाइम्स और उसके रेडियस के भी क्या है टू टाइम्स है, देन रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ ए एंड बी विल बी, तो रेशियो कैलकुलेट करना है कि जो रेजिस्टेंस रहेगा इनका उनका रेशियो कितना आएगा। तो इसको बेटा अपन सोल्व करते हैं। देखो एक वायर है ए, ठीक है, एक वायर है बी, रेजिस्टेंस का अपने को पता है, रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए। ठीक है, वायर जो होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैं क्या बोल रहा हूं वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लो ये आपका वायर है तो कंडक्टर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला है, तो ये कैसा है बेटा सर्कुलर है, और सर्कुलर क्या होता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर जो सरफेस होती है उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो दो वायर है, मैं इनको ऐसे लिख देता हूं भाई आर ए बाई आर बी इक्वल्स टू एल ए बाई ए ए इन टू में नीचे कौन रह जाएगा एल बी, ऊपर चला जाएगा एरिया। ठीक है, इनका रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ जो है ए की वो टू टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ बी है और रेडियस जो है बेटा ए की वो टू टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बी है। ठीक है, तो यहां पर देखो एरिया आपका जो है उनका वैल्यू भी पुट कर देते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप में, तो आर ए बाई आर बी इक्वल्स टू अपन देखो एल ए की जगह रख देते हैं टू इंटू एल बी,
डिवाइड में ए ए को लिखना चाह रहा हूं मैं पाई आर ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू पाई आर बी स्क्वायर, और आर बी को अपन क्या रख सकते हैं, एक बार तो आर बी ही स्क्वायर रखो, नीचे क्या रख देते हैं एल बी। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, देखो एल बी से एल बी कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया बेटा टू, और नीचे आर ए, आर ए कितना है टू इंटू आर बी है, और उसका स्क्वायर कर देंगे इंटू में आर बी का स्क्वायर। अब देखो आर बी स्क्वायर है, कट जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया बेटा आर ए पाई आर बी इक्वल्स टू कितना रह गया, ऊपर ऊपर रह गया टू और नीचे रह गया फोर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वन बाई टू, ठीक है, क्या रह जाएगा आंसर आर ए बाई आर बी आपका वन बाई टू रह जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर अपन देखते हैं, इसका आंसर है बेटा वन बाई टू ए ऑप्शन, यहां पे सॉरी गलत है, ऑप्शन कौन सा है ए, ठीक है, रेशियो क्या है वन बाई टू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंस लो गिव्स, लेंस लो क्या बताता है, ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने फैराडेज लो पढ़े, फैराडेज फर्स्ट लो और सेकंड लो। फर्स्ट लो क्या बोलता है कि जब किसी भी कॉइल में आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, ये बोला था फैराडे फर्स्ट लॉ ने। सेकंड लॉ बोलता है कि उस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ फैराडे क्या होता है बेटा, जो ईएमएफ होता है वो होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होता है ईएमएफ, ठीक है, और इसी को अपन ने बोला था प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसके बाद आया था आपका लेंज लो, और लेंज ने केवल क्या बोला था कि जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ये ईएमएफ उसी चीज का अपोज करता है जिससे ये प्रोड्यूस हुआ है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है डी फाई बी बाई डी टी, ठीक है, यानी ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि यहां पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है ये उन रीजंस का अपोज करता है जिससे ये प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव साइन क्या बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो देखो यहां पर देखो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, दूसरा है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, तीसरा है बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, और लास्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट। तो बेटा ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, केवल ये सही है क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड के बारे में तो फैराडे सेकंड लॉ बताता है, फैराडे सेकंड लॉ जो था अपना, फैराडे सेकंड जो लॉ था ये था आपका सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, और ये था लेंज लॉ, ठीक है, और लेंज लॉ क्या बताता है आपका डायरेक्शन के बारे में प्रेजेंट करता है कि जो डायरेक्शन इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की होती है वो इस प्रकार से होती है कि ये अपोज करती है उन रीजंस का जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका क्या रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, लेंज लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी इज, तो देखो दो टर्म बोल रहा है ये, एक तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और एक परमेबिलिटी, ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक ऐसी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताती है किसी भी मटेरियल के बारे में कि इस मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये कितना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, तो मैग्नेटाइजेशन की जो एबिलिटी है मटेरियल की उसको कौन बताता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और परमिएबिलिटी ये बताती है कि किसी भी मीडियम के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो सकती है उसको कौन बताता है परमियाबिलिटी। तो अपन ने एक डेरिवेशन किया था कि जब किसी भी मटेरियल को अपन ने मैग्नेटाइज करने के लिए एक सोलेनोइड करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर रखा तो
उसमें जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ बी इक्वल टू बी नोट प्लस बी वन लिखते हैं, म्यू नोट आई प्लस म्यू नोट एच, ठीक है। तो उसको अपन सोल्व करके आगे लेके जाते हैं तो आपका रिलेशन आता है ऑप्शन ए करेक्ट रहता है कि काई एम, काई एम क्या है, ये आपकी है बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और म्यू आर दो है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमियाबिलिटी। रिलेटिव परमियाबिलिटी इज अ रेशियो ऑफ परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इसका रेशियो होता है। तो जब वो डेरिवेशन अपन सोल्व करते हैं तो उसका जो फाइनल रिजल्ट जो आता है वो आता है काई एम इक्वल टू म्यू आर माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है, ये लास्ट टाइम राजस्थान बोर्ड में भी अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें आया था ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि इफ म्यू नोट एंड एप्सिलॉन नोट आर द परमियाबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रेस्पेक्टिवली, देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम विल बी। तो अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो उसमें अपन ने बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये आपके फ्री स्पेस और एयर के अंदर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। लाइट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, एक ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है, जिसकी स्पीड क्या होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। और इसका जो कैलकुलेशन है वो अपन कैसे कर सकते हैं, 1/μ0 × ε0। म्यू नोट है आपकी परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नोट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों की वैल्यू अपन जब यहां पर पुट करेंगे तो इसका आंसर जो है बेटा वो निकल के आएगा 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये दोनों जो चीजें हैं ये आपके फ्री स्पेस के लिए है, आपकी परमियाबिलिटी और परमिटिविटी रेस्पेक्टिवली। तो अपन एप्सिलॉन नोट अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा है और उसका वैल्यू होता है 8.85×10⁻¹2, और म्यू नोट अपन ने पढ़ा है उसका वैल्यू होता है 4π×10⁻¹7। इन दोनों वैल्यूज को अपन जब यहां पर पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो निकल के आएगा C=3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसकी स्पीड जो होती है वैक्यूम में वो होती है C=1√ε0μ0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी म्यू इज। देखो आपका अपन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, तब उसमें पढ़ा था कि जब लाइट किसी भी फोटो सेंसिटिव प्लेट पे आकर इंसिडेंट होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, तब उस सरफेस से आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है वो कि मोमेंटम कितना होगा उसका, ठीक है। तो देखो अपन ने पढ़ा था आइंस्टीन का एनर्जी मास इक्वेशन जो कि होता है E=mc², ठीक है। अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं mc × c, ठीक है। और E जो है, E क्या है आपकी, लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लाइट एक आपके किसी भी सरफेस पे आकर जब इंसिडेंट होगी तो वो एनर्जी देगी उस सरफेस को इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और फोटॉन्स के पास जो एनर्जी होती है वो होती है बेटा h𝛎, न्यू होती है उसकी फ्रीक्वेंसी और h होता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि भाई h𝛎 हो गया mc × c। इसको मैंने अलग क्यों किया, क्योंकि मोमेंटम अपन ने पढ़ा हुआ है, लीनियर मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी यहां पर क्या है, c है। तो क्या हो जाएगा बेटा ये h𝛎 = p × c, मतलब h𝛎/c किसका वैल्यू हो गया, मोमेंटम का, किसका वैल्यू हो गया है ये, मोमेंटम का। तो इसका आंसर जो है वो अपन देखते हैं कि कौन सा वाला सही होता है, तो h𝛎/c ऑप्शन c करेक्ट होगा,
ठीक है, तो द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू इज एच न्यू बाई सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ डोनर टाइप इंप्योरिटी। तो देखो इसको अपन बेसिक जो रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं उसके हिसाब से यदि कोई साइंस का स्टूडेंट है तो सिंपली कर देगा कि देखो एल्यूमिनियम, बोरोन और गैलियम तीनों जो हैं आपके वो आपके कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक के 13 ग्रुप के एलिमेंट हैं ये तीनों। ठीक है, तो इसमें आपका डिसिमिलर कौन हो गया, ये वाला, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे इसको, कॉन्सेप्ट से देखो अपन ने दो प्रकार के आपके सेमीकंडक्टर बनाए थे, एक तो था इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर और एक था एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर थे जिनको प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिनके अंदर एक्सटर्नल इंप्योरिटीज नहीं मिलाई जाती है, उनको कहते हैं अपन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकन और जर्मेनियम अपन पढ़ते हैं तो उनके अंदर सिलिकन और जर्मेनियम जो आपके 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं और उनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो और 4 से आपका रिएक्ट करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की जो अपन ने पढ़ा था कि इनकी कंडक्टिविटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, पर टेम्परेचर को बढ़ाकर कंडक्टिविटी बढ़ाना हर जगह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसके लिए अपन ने दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर बनाए जिनको अपन एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, और इम्प्योर सेमीकंडक्टर एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के थे बेटा, देर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, एक का नाम दिया था एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक का नाम दिया था पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वहां पर देखो एन टाइप का मतलब क्या है बेटा, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आपका सेमीकंडक्टर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब यहां पर ये है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है वो कौन है आपके, यहां पर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं बेटा, होल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन ने पढ़ाया कि सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी जो है वो आपके कौन शो करते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन का मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आपका सेमीकंडक्टर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये है कि यहां पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल है। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर अपन इंप्योरिटी जो मिलाते हैं वो 15 ग्रुप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, 15 ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक। ठीक है, उसमें कौन सा आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ, ये आपके एलिमेंट्स आते हैं 15th ग्रुप में, जिनको अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मिलाते हैं। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इनको मिलाएंगे तो इनको ये क्या करेंगे बेटा, सिलिकन के अंदर मिलाते हैं तो सिलिकन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, इनके पास कितने हैं, 5, तो ये अपने 4 तो कोवलेंट बॉन्ड में लगा देंगे, एक बच गया इसका। ठीक है, इसीलिए इन जो एलिमेंट्स को अपन क्या कहते हैं, डोनर, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इनको क्या कहते हैं, डोनर एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जिससे अपन सेमीकंडक्टर एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ। ठीक है, ये एलिमेंट अपन बनाएंगे और इनसे एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री देते हैं इसलिए इनको कहा जाता है आपका डोनर टाइप इंप्योरिटी एटम। समझ में आया कि नहीं, तो अपना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ डोनर टाइप इंप्योरिटी। तो डोनर टाइप इंप्योरिटी कौन है बेटा, 15 ग्रुप का जो आपका एलिमेंट आता है वो है फॉस्फोरस, 13 ग्रुप के जो एलिमेंट आते हैं वो कौन से हैं आपके, एल्यूमिनियम है, बोरोन है, गैलियम है, ये आपके पी टाइप आपका एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मिलाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर ए कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल में कितना एवरेज वैल्यू होता है करंट का, तो अपन ने पढ़ा था कि भाई आपका जो एसी करंट होता है वो साइनोसोडियल वेव्स के फॉर्म में होता है इस प्रकार से,
तो एक पूरा साइकिल जब ये कंप्लीट करेगा तो जितना प्लस में करंट एवरेज है उतना ही माइनस में है। इसका मतलब I एवरेज जो होगा फॉर ए कंप्लीट साइकिल वो कितना होगा बेटा, जीरो। पर हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए I एवरेज लिखें तो प्लस 93 एम्पियर, ठीक है। नेगेटिव हाफ में इतना ही नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कंप्लीट साइकिल में कितना होता है, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए टोरॉइड ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक टोरॉइड है अपने पास, टोरॉइड बनाते कैसे हैं, सोलेनोइड को अपन एक सर्कुलर शेप देते हैं, उससे टोरॉइड बन जाता है। हैज 1000 टर्न्स, ए करंट ऑफ 0.1 एम्पीयर इज फ्लोइंग इन इट, देन द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स एक्सिस विल बी। तो देखो, टोरॉइड और आपका सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो दोनों में सेम होता है। बी इक्वल टू क्या होता है बेटा, म्यू नोट एन इंटू आई। ये स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहां पे इस एन का वैल्यू जो आता है टोरॉइड के लिए वो हो जाएगा म्यू नोट कैपिटल एन बाई टू पाई आर, क्योंकि टोरॉइड एक सर्कुलर शेप में होता है, इंटू आई, म्यू नोट एन बाई टू पाई आर इंटू आई, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। म्यू नोट का वैल्यू अपने को पता है कितना होता है बेटा, 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7। एन कितना दिया हुआ है, 1000 बाई 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहां पर, आर। रेडियस कितनी है यहां पर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो इस आर की जगह अपन क्या रख देते हैं, इस R की जगह अपन रख देते हैं, इस R की जगह पर अपन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 बाई कितना हो जाएगा, 100 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। और I का वैल्यू है बेटा 0.1। इस कैलकुलेशन को जब सोल्व किया जाएगा तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2 × 10⁻⁴ टेस्ला, 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। इसको सोल्व करोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा 2 × 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है आपके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इंफिनिटी का मतलब है जहां पर कोई भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस हो रहा उस चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वहां पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कितना रहेगा बेटा, जीरो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज। मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसको डिनोट करते हैं बेटा किससे अपन, एच से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, एच से। और ये वो फील्ड होता है जिसके अंदर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को ला के रखा जाता है फॉर मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो आपको क्या पूछा है, इसका ऐसा यूनिट पूछी है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड बाई म्यू इसका फॉर्मूला होता है। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा तो इसकी यूनिट जो आ जाएगी वो आ जाएगी एम्पियर पर मीटर, ठीक है। एम्पियर पर मीटर कैसे लिखा जाता है, ए कैपिटल और एम स्मॉल, ठीक है। एम्पियर पर मीटर इसकी क्या होगी, एसआई यूनिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इंडक्शन फर्नेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इंडक्शन फर्नेस जो है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, वो है आपका एडी करंट, ठीक है। एडी करंट का एप्लीकेशन है इंडक्शन फर्नेस। किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के अंदर या उस मेटेलिक ऑब्जेक्ट को अपन किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो उसके अंदर से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी तो क्या आएगा, इंड्यूस आपका उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, उससे एडी करंट फॉर्म होगी। और इस इंडक्शन फर्नेस में किसी भी मटेरियल को मेल्ट करने के लिए यूज की जाती है एडी करंट का प्रिंसिपल। पोलराइजेशन इज द फिनोमिना विच शोज दैट लाइट वेव्स आर ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। कैसे नेचर की होती है लाइट वेव्स जो है, वो कैसे नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, व्हाट इज राइट रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो यहां पर आपका क्या होता है, E इक्वल टू माइनस वी बाई डी,
ठीक है, क्या होता है E इक्वल टू माइनस वी बाई डी होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन, या E इक्वल टू अपन लिख देते हैं ग्रेड V माइनस ऑफ ग्रेड V। ग्रेड V को अपन ने जब डेरिवेशन किया था तो क्या होता है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन I कैप प्लस डेल बाई डेल Y J कैप प्लस डेल बाई डेल Z K कैप, इसको बोलते हैं अपन ग्रेड। ठीक है, तो इनमें रिलेशन क्या आ जाता है इक्वल टू लाइट है, ये आपका पोलराइजर है और इससे जब ये लाइट पास होगी तो यहां पे आपकी ये प्लेन पोलराइज लाइट बन गई। ठीक है, इसके बाद इसको मैं एक एनालाइजर और होगा वो भी पोलराइजर जैसा ही होता है पर इसका अलग फंक्शन है, इसके अंदर से पास करता हूं। मान लो यहां पर लाइट कितनी थी आई थी, इसके बाद निकलने के बाद इंटेंसिटी कितनी रह जाती है बेटा आई नोट थी, इसके बाद आई नोट बाई होगी। अब ये जो एनालाइजर है ये पोलराइजर ये एनालाइजर, इस एनालाइजर से अपने को कितनी लाइट जितनी यूज करनी है उस हिसाब से अपन एनालाइजर की एक्सिस को पोलराइजर की एक्सिस के रेस्पेक्ट में रखेंगे। मान लो अपने को पूरी चाहिए तो इसकी और इसकी एक्सिस सेम, कम चाहिए तो इसको अपन रोटेट कर देंगे इसकी एक्सिस से, मतलब यहां पर जो आपकी इंटेंसिटी मिली मान लो कितनी है आई है, तो ये आई जो है बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोस स्क्वायर थीटा के। थीटा क्या है एंगल बिटवीन एनालाइजर और पोलराइजर की एक्सिस के बीच का एंगल जो है, ये पोलराइजर ये एनालाइजर इनके बीच की जो एक्सिस अभी ऐसे है तो कितना है थीटा इक्वल टू जीरो है, और मैंने ऐसे कर दिया तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90 हो गया। अकॉर्डिंग टू द यूज जिस हिसाब से अपने को यूज करना है उसी हिसाब से अपन इनके बीच में एंगल फॉर्म कर देते हैं। तो यहां पर ये आपका क्या कहलाता है आई इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा, ये आई नोट नहीं है ये अलग आई नोट। ठीक है, तो यहां पर आपका I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है कोस स्क्वायर थीटा के। थीटा इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। ठीक है, तो ये ही होता है बेटा आपका मेलस लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अरेंज दीज रेडिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको रेडियो मिर्ची आई वी यू जेरोक्स गन। ठीक है, किस तरीके से रेडियो मिर्ची आई वी यू जेरोक्स गन, रेडियो वेव माइक्रोवेव इंफ्रारेड वेव आपकी विजिबल अल्ट्रावायलेट, जेरोक्स गन का मतलब जेरोक्स का मतलब एक्सरे और गामा रे। ठीक है, अपन इस तरफ जाएंगे तो बेटा लैम्डा विल डिक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, क्योंकि लैम्डा और आपका जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो जब रेडियो से आपका गामा रेज की तरफ जाएगा तो जाएंगे तो वेवलेंथ तो डिक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर आपको क्या बताना है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ आपका सीक्वेंस बताना है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो बढ़ता हुआ सीक्वेंस मैंने आपको ये बता दिया, सबसे कम किसकी हो जाएगी रेडियो की। देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, सबसे कम रेडियो की, उसके बाद माइक्रो, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट और सबसे ज्यादा आपकी रेडियो वेव्स एक्सरे। ठीक है, इस प्रकार जो सीक्वेंस लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रूथ टेबल बनानी है आपका, ये जो आपका लॉजिक गेट है ये बेटा कौन सा है नेंड है, नॉट आफ्टर एंड। नेंड गेट का जो वाई होता है वो क्या होता है बेटा एंड गेट, एंड क्या करता है ए डॉट बी करता है और नॉट क्या कर देगा उसका उल्टा कर देगा यानी उसके ऊपर बार लगा देगा। ठीक है, तो आपको इसकी ट्रूथ टेबल बनानी है, तो ट्रूथ टेबल बना भी रखी है, ए बी ए डॉट बी निकाला और उसके बार लगा दिया, ए क्या 0011 0101 किसी भी प्रकार से ले सकते हो, ए डॉट बी करेंगे बाकी सारे जीरो हो जाएंगे केवल ये वन रहेगा, इसका उल्टा कर देंगे तो तीन में आउटपुट आएगा एक में आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, कितने मिनट का हो गया देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी। ठीक है, तो देखो अपन ने रिलेशन निकाला था किसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग क्या है कि जब
किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अपन वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, तो उनको एक कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिल जाती है जिसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसको वीडी से डिनोट करते हैं। तो उसका एक डेरिवेशन था कि उस डेरिवेशन में अपन ने आई और वीडी में रिलेशन निकाला था कि अपन ने बोला कि एक कंडक्टर है और वो कंडक्टर जो है आपका, वो कंडक्टर जो है आपका वो एक्सटर्नल सोर्स बैटरी सोर्स से जोड़ दिया है अपन ने इस प्रकार से, ठीक है। तो इधर वाला एंड प्लस, इधर वाला माइनस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, प्लस से माइनस इस तरह से, और इसके अंदर जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक आपके कांस्टेंट वेलोसिटी से, एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, जिसको अपन वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन ने बोला कि ये जो आपका कंडक्टर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है बेटा, ए, और इसकी लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। तो टोटल चार्ज जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो आपके टोटल चार्ज जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो अपन कैलकुलेट करते हैं। तो क्यू इक्वल टू क्या आता है आपका, n, n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। n e, e मतलब चार्ज कितना है, और एरिया इनटू लेंथ, क्योंकि ये n जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आ गया, n e a इनटू l आ गया, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या होता है बेटा, i इक्वल टू होता है अपना q by t, क्या होता है, i इक्वल टू होता है q by t होता है, ठीक है। क्यू का वैल्यू ये हो गया, और टी का वैल्यू अपन कैसे लिख सकते हैं, टी का वैल्यू अपन लिख सकते हैं एल बाई वी डी, क्या लिख सकते हैं, एल बाई वी डी। इस वैल्यू को यहां जब पुट करेंगे इन दोनों वैल्यूज को, क्यू की और टी को, तो आई इक्वल टू रिलेशन आ जाएगा बेटा अपने पास एन ई ए वी डी, आई इक्वल टू क्या रिलेशन आ जाएगा, एन ई ए वी डी रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन ने एक रिलेशन देखा था कि आपका वी डी जो होता है, वी डी जो होता है वो आपका आता है ई, कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। टाउ क्या होता है बेटा, टाउ होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम जो होता है, दो आपके कॉन्जुगेट कोलिजन जो होते हैं उनमें कितना टाइम लगता है उसको टाउ रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई आपका इलेक्ट्रॉन है, तो ये वैल्यू आपका यहां पर अपन इसको बोलते हैं कि वी डी जो है आपका, वीडी जो है आपका यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, और टाउ, टाउ क्या होता है आपका, एक स्पेसिफिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, कोई भी एक मटेरियल ले लिया, कंडक्टर ले लिया, तो उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, दो कॉन्जुगेट कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं। तो वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर जब आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो बेटा यहां पर आता है कांस्टेंट म्यू इनटू ई, और ई, इस म्यू को ही क्या बोला जाता है, मोबिलिटी। म्यू क्या होता है, मोबिलिटी। इस मोबिलिटी का वैल्यू जो है अपन यहां पर यूज करके अपन VD के साथ रख देंगे यहां पर, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ई ए म्यू इनटू ई। तो ये अपना रिलेशन होता है जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन है बेटा, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी डायरेक्ट, म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई, और ये रिलेशन अपने रखने के बाद ये आपका इसका आंसर आ जाता है कि आई इक्वल टू होता है एन ई ए म्यू इंटू ई, यहां पर म्यू को मोबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रजिस्टेंस एक्स इन द सर्किट शोन इन फिगर वेन नो करंट फ्लोज थ्रू द 5 ओम रजिस्टेंस। देखो ये कह रहा है कि इस रजिस्टेंस के अंदर, 5 ओम के रजिस्टेंस के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में आपको एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये कंडीशन आपकी व्हीट स्टोन ब्रिज की, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या करता है,
व्हीटस्टोन ब्रिज का अपन यूज करके किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू या अननोन कैपेसिटेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें होगा क्या बेटा, दो पॉइंट होंगे जो अपन ने वहां पर किया था कि डी और बी के बीच में अपन एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और अपन कहते हैं कि जब डी और बी का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, डी और बी का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ये क्या हो गया बेटा आपका, ये आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये रेजिस्टेंस कोई काम का ही नहीं है। तो इसके लिए अपन आपका जो कंडीशन थी व्हीटस्टोन ब्रिज की, बैलेंस कंडीशन पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, वो वाली अपन यहां पर कंडीशन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, पी बोल सकते हैं, इसको क्यू बोल सकते हैं, इसको आर बोल सकते हैं, इसको एस बोल सकते हैं। वैल्यू पुट कर दो, एक्स और डिवाइड में मैंने रख दिया 18 और इधर 2 डिवाइड में रख दिया 6, तो बेटा ये कितना हो गया 63 और 32 से मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 6 ओम आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, जो कि नीचे आपका है भी ये सॉल्यूशन कि x बाई 18 इक्वल टू 2 बाई 6, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 6 आ गया। व्हीटस्टोन ब्रिज की आपकी बैलेंस कंडीशन पर यह काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है बेटा वो बताना है, डराइव द एक्सप्रेशन फॉर पावर फैक्टर इन ए सीरीज आर एल सी ए सी सर्किट। तो देखो, एवरेज पावर इन आर एल सी सर्किट आपका ए सी सर्किट के अंदर क्या होता है, पी इक्वल टू आपका वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, और ये कोस फाई ही होता है, इसको बोलते हैं अपन पावर फैक्टर। ये कोस फाई जो है आपका, ये क्या करता है, ये बताता है एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, कोस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर एंड इट रिप्रेजेंट एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, इसको पावर फैक्टर कहते हैं। तो अपने को आरएलसी सर्किट का यहां पर पावर फैक्टर के बारे में बताना है। तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है आपका, इसमें अपन यहां पर जब इसका आपका फेजर डायग्राम बनाते हैं तो देखो, ऊपर की तरफ आपका एक्सएल आता है, नीचे की तरफ आता है एक्ससी और इधर आता है आपका आर रेजिस्टेंस। फेजर डायग्राम बनाया जाता है तो अपन इस प्रकार से इसका रेजिस्टेंस बनाते हैं, इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, जो कि तीनों अपनी चीजें पढ़ी थी अपन ने, एक प्योर आपका रजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो अपन ने बोला था कि प्योर रजिस्टिव सर्किट होता है तो आई और आर सेम फेज में चलते हैं। दूसरा सर्किट आपका इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट में बेटा आपका अपन कहते हैं कि करंट जो है वो आपका लैग करता है किससे, करंट जो है आपका लैग करता है किससे, वोल्टेज से। समझ में आया कि नहीं, करंट आपका जो है बेटा लैग करता है किससे, वोल्टेज से, कितने एंगल से, पाई बाई से। तो यहां पर देखो, यदि इसको अपन करंट की डायरेक्शन में मान रहे हैं तो ये आपका किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, वोल्टेज की। वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। और ये क्या है, एक्सएल, ये रेजिस्टेंस है, ये आपका इंडक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस होता है। तो इस प्रकार से अपन डायग्राम बनाते हैं, अपन कंडीशन ले रहे हैं कि आपका XL जो है, कंडीशन ले लिया बेटा XL इज ग्रेटर देन XC, कंडीशन ले सकते हैं। तो ऊपर की तरफ रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ इनका ये मिल गया आपको, ये मिल गया XL माइनस XC, इन दोनों का यानी R और XL माइनस XC का एक आपका रिजल्टेंट रहेगा, जिसको मैं R Z बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, जिसको Z, Z क्या होता है, इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या बताता है कि इस पूरे सर्किट का आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनता है, ये कितना रोकेगा, ये कितना रोकेगा, ये कितना रोकेगा, टोटल रेजिस्टेंस होता है, जिसको इंपीडेंस बोलते हैं जेड। ठीक है, तो अपने को यहां पर इस एंगल को अपन क्या कह रहे थे, वहां पर फाई बोल रहे थे, कितना बोल रहे थे, फाई। तो यहां पर अपने को किसका वैल्यू निकालना है, कोस फाई का। तो कोस फाई क्या हो जाएगा, कोस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक है, और ये जेड और ये हो गया आपका आर। तो कोस क्या होता है, कोस को अपन बोल सकते हैं बेस बाई आपका हाइपोटेनियस, बेस क्या है आर, हाइपोटेनियस कितना है जेड। तो कोस फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां पर, आर बाई जेड, कोस फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर बाई जेड। तो पावर फैक्टर लिख भी रखा है कि पावर फैक्टर इक्वल टू क्या हुआ, आर बाई जेड। जेड जो है आपका इंपीडेंस, जिसका वैल्यू होता है अंडर रूट में आपका आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये होता है किसका वैल्यू, जेड का वैल्यू। ठीक है, जेड को इंपीडेंस कहा जाता है, एक्सएल माइनस एक्ससी लिखा है मैंने, क्योंकि एक्सएल को मैंने बड़ा माना है। अब एक्ससी को बड़ा, अब वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा बड़ा है, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो रेजोनेंस कंडीशन होती है। ठीक है,
नेक्स्ट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर है और जो मैंने बताया वो भी आपका इसका सॉल्यूशन है, दोनों तरीके से इसको किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका है ए लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एसी सोर्स थ्रू ए की एज शोन इन फिगर, द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर सम टाइम एन आयरन रोड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ इंडक्टर, द ग्लो ऑफ द बल्ब इंक्रीजेज डिक्रीजेज अनचेंज्ड। ठीक है, एज द आयरन रोड इज इंसर्टेड, ये क्या कह रहा है कि यहां पर जो इंडक्टर है इसके अंदर मैं एक आयरन की रोड को इंसर्ट कराऊंगा तो ये बल्ब जो है इसके ग्लो होने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपका इसका ग्लो बढ़ेगा कि ग्लो इसका डिक्रीज होगा। तो देखो क्या कर रहे हैं बेटा, जब इसके अंदर आयरन रोड को इंसर्ट कराएंगे तो एल का वैल्यू बढ़ जाएगा, एल का वैल्यू बढ़ने से इंडक्टेंस आपका जो है सेल्फ इंडक्टेंस आपका जो बढ़ जाएगा तो उससे क्या बढ़ जाएगा XL, क्योंकि XL क्या बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं और इसका वैल्यू क्या होता है XL इक्वल टू ओमेगा इनटू L, तो ये बढ़ता है तो बेटा ये भी बढ़ जाता है। तो जब ये बढ़ेगा तो आपका जो पावर फैक्टर है, जो पावर फैक्टर है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, तो पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा तो पावर फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर कंज्यूम्ड बाय एन एसी सर्किट। तो आपका क्या हो जाएगा यहां पर, जब आपका पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज क्यों होगा क्योंकि एक्सएल बढ़ रहा है, एक्सएल बढ़ रहा है, देखो ग्राफ में अपन बना सकते हैं, देखो ये आर है और ये क्या है बेटा एक्सएल, तो देखो जब एक्सएल बढ़ेगा तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसकी तरफ मूव करेगा आपका एक्सएल की तरफ शिफ्ट होगा, तो एक्सएल की तरफ शिफ्ट होगा तो इन दोनों के बीच जो एंगल है फाई वो फाई बढ़ेगा, जब एंगल बढ़ेगा तो कोस स्टार्ट कहां से होता है मैक्सिमम से, कहां जाएगा मिनिमम की ओर, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा कोस का वैल्यू डिक्रीज होगा, कोस का वैल्यू डिक्रीज होगा पावर फैक्टर डिक्रीज होगा, पावर फैक्टर डिक्रीज होगा तो ये सर्किट क्या करेगा पावर कंज्यूम जो करेगा ना वो कम करेगा, कंजम्पशन जब पावर का रिड्यूस हो जाएगा तो जो ये बल्ब जलना होगा इसका ग्लो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सो द लेबल्ड डायग्राम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन एन ऑप्टिकल फाइबर। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करती है। ठीक है, और ये TIR के कॉन्सेप्ट पे कार्य करती है, किस पे वर्क करती है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि लाइट को अपन एक ऐसे एंगल पर इंसिडेंट कराते हैं कि लाइट जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन उसी मीडियम में लौट जाए। ठीक है, पहले तो रिफ्रैक्ट हो रही थी दूसरे मीडियम में जा रही थी, पर एक एंगल जब आई इंसिडेंट एंगल बढ़ता जाएगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, तो इसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया, रिफ्लेक्ट होगी वापसी आ गई लाइट उसी मीडियम में अपन ने एंगल को जब बढ़ाया। ठीक है, तो इससे होगा क्या, लाइट के अंदर जो लाइट जब सिग्नल यहां से यहां ट्रांसफर किया जाएगा तो सिग्नल के अंदर जो लॉसेज होंगे एनर्जी लॉसेज होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी नहीं, उसी मीडियम में आपकी आपका उसका TIR होते हुए चलता जाएगा। तो यहां पर एंगल जो है आपका इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन थीटा सी क्रिटिकल एंगल, तो आपका लाइट इस प्रकार से मूव करती हुई आगे निकल जाएगी। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं बेटा, अंदर वाला पार्ट होता है उसको कोर बोला जाता है, अंदर वाला पार्ट जो होता है उसको क्या बोला जाता है कोर। ठीक है, बाहर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्लैडिंग, क्या बोलते हैं उसको क्लैडिंग। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, कोर जो होता है वो ज्यादा होता है किसके क्लैडिंग के, तभी तो क्या होगा कि इसकी दूसरी कंडीशन जो होती है TIR की कि लाइट आपकी मूव करनी चाहिए डेंसर मीडियम से रियरर मीडियम में, लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रियरर मीडियम। तो अंदर वाला मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो डेंसर मीडियम हो गया और बाहर वाला कैसा हो गया रियरर हो गया, तो लाइट को जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसिडेंट कराएंगे तो वो वापसी उसी मीडियम में लौटते हुए आपके बाहर निकल जाएगी, लॉसेस कम हो जाएंगे। तो ये होता है बेटा TIR कॉन्सेप्ट पे वर्क करने वाली एक डिवाइस जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर या एप्लीकेशन ऑफ TIR बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है आपके रे ऑप्टिक्स से। तो देखो क्या है, ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस।
और आगे ये भी बोल सकता था कि जो कंबाइन लेंस बनेगा उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, जो कि मैंने सॉल्यूशन में लिख भी रखा है कि उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो यहां पर अपन ने क्या करा कि दो लेंस लिए, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, दोनों को एक दूसरे के पास रख दिया। अपन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बना रहे हैं जिससे कि अपन उसका पावर को बढ़ा और घटा सके। पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है बेटा, P1 + P2 + P3 कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो अलग अलग लेंस का जो पावर होगा वो आपका समेशन हो जाएगा उनका। तो देखो अपने को पता है कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर आता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस का पावर कैसा लेते हैं अपन, पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस का जो पावर लेते हैं बेटा वो कैसा लेते हैं अपन, नेगेटिव, ठीक है। तो फोकल लेंथ भी ऐसी हो जाएगी, पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/F। तो फोकल लेंथ भी आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगी। एफ आपका क्या है, एफ क्या है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यहां पर देखो कॉनकेव लेंथ की मैंने लिख रखा है कि कॉन्वेक्स आपका जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव की आपकी नेगेटिव। तो ये वैल्यू जो दी हुई है वो रख दी है। फिर फॉर्मूला आपका जो ये फॉर्मूला है इसी में आपका 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F1 + 1/F2 वैल्यू पुट कर दी मैंने। वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम लेने के बाद क्या आ गया, एफ का वैल्यू आ गया पॉजिटिव में 60। और पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो कॉम्बिनेशन वाला लेंस बनेगा ये लेंस कैसा होगा, ये लेंस का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स इसका नेचर होगा क्योंकि इसका फोकल लेंथ जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। पावर पूछना चाह रहा है तो पावर भी अपन बता सकते हैं यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when an unpolarized light is incident on the boundary between two transparent media at a particular angle IB, then reflected light is partially आपकी सॉरी परफेक्टली पोलराइज्ड, देन प्रूव दैट। तो म्यू इक्वल टू आपको प्रूव करना है टेन आई बी। ये रिलेशन देखते अपने को पता चल जाना चाहिए कि ये आपका कौन सा लो है, ये ब्रूस्टर्स लो है ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो ब्रूस्टर्स लो के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं कि ये एक ऐसा मेथड होता है जिससे अपन प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त करते हैं, टू फॉर्म ए प्लेन पोलराइज लाइट विद द हेल्प ऑफ ब्रूस्टर्स लो। और कौन सा मेथड यूज करते हैं यहां पर, रिफ्लेक्शन का। तो देखो यहां पर क्या होता है, आपकी एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होगी, उस पर लाइट इंसिडेंट होगी। इंसिडेंट होने के बाद आपका ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो दो आपकी लाइट रेज निकलेंगी, एक रिफ्लेक्टेड और एक रिफ्रैक्टेड। तो इसमें कंडीशन दी है, उन्होंने बोला ब्रूस्टर्स ने कि लाइट को एक स्पेसिफिक एंगल पर इंसिडेंट कराओ, जिसको उन्होंने ब्रूस्टर्स एंगल बोला। और जब आपका लाइट को स्पेसिफिक एंगल पर अपन इंसिडेंट कराएंगे तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, उन दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल यदि बनता हो, कितना एंगल बनता हो उनके बीच में, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हो, तब क्या होगा, जो लाइट रिफ्लेक्टेड होगी वो आपकी कैसी मिलेगी बेटा, प्लेन पोलराइज्ड। कैसी लाइट मिलेगी, प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है। और ये आपकी क्या होगी, पार्शियली पोलराइज लाइट। इसके अंदर थोड़े वाइब्रेशन दूसरे आपके दूसरे डायरेक्शन में भी रहेंगे। इसमें आपके अपन ने डायरेक्शन उसकी एकदम स्पेसिफिक डायरेक्शन बना ली, यानी अपन ने प्लेन पोलराइज लाइट बना ली, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट क्या थी कि वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहे थे आपके, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन कैसे हो रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, आपकी लाइट जो है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो देखो आपका कैसे चलते हैं, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे ये हाथ मेरा ये वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा, ये वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और मैं जिस डायरेक्शन में चलूंगा वो बताएगा प्रोपोगेशन ऑफ वेव को, ठीक है। तो इसमें आपका अपन क्या कर रहे हैं, इस वाली प्लेन में आपका लाइट जब ऐसे चल रही है तो ये वाली जो प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में आपके जो वाइब्रेशन हो रहे, इस प्लेन में जो आपके वाइब्रेशन हो रहे वो इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इस प्लेन में, इस वाले प्लेन में सभी और आपके वाइब्रेशन हो रहे, वाई प्लेन है जिसमें सारे वाइब्रेशन हो रहे हैं। उन वाइब्रेशन को अपने को कन्फाइंड करना है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो उसको करने के लिए अपन ने पोलराइजर यूज किया, ठीक है। उस पोलराइजर की हेल्प से उस पोलराइजर ने क्या किया, लाइट का एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेसिफिक वाइब्रेशन है उसको अपने अंदर से पास किया, बाकी को सबको रोक दिया। तो वो ऐसा करेगा तो अपने को जो लाइट मिलेगी वो प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी,
ठीक है। तो ये आपका आपका जो है ये आपका ब्रूस्टर्स लो है, और ब्रूस्टर्स एंगल पर ये एंगल कितना है बेटा, ब्रूस्टर्स एंगल, ठीक है, ये स्पेसिफिक एंगल है आई बी जिसको ब्रूस्टर्स एंगल कहते हैं। इस एंगल पर जब लाइट को इंसिडेंट कराया जाएगा एक ट्रांसपेरेंट सरफेस पर, तो उसके दो पार्ट निकलेंगे, एक तो रिफ्लेक्टेड एक रिफ्रैक्टेड, और यदि दोनों के दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे तो आपका जो रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट होगा वो प्लेन पोलराइज मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका ये दिया हुआ है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज ऑफ लाइट इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज 4:1, देन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ वेव्स, ठीक है। तो देखो आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम का वैल्यू दिया हुआ 4/1, तो इसका फॉर्मूला है आपका अंडर रूट I1 बाई I2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट I1 बाई I2 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये कहां से आया, ये अपन देखते हैं कि I जो होता है वो आता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 रूट में, और यहां आता है cos phi, ठीक है। ये cos phi एंगल को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि एंगल जो आपका cos phi है, जब आपका मैक्सिमम बनाना है अपने को इसको, तो cos phi का वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है। तो cos phi 1 हो जाएगा, 1 होने पे आपका ये रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर वाला मिलेगा, ठीक है। और जब मिनिमम करना है तो इसका वैल्यू -1 कर दो, तो ये आपका मिलेगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो I1 रूट I1 रूट I1 रूट I2 को मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, वो एक दूसरे से कट जाएंगे और आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको मैंने कंसिडर कर लिया कि रूट I1 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4/1, ठीक है। तो अपन इस स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो रूट हो जाएगा 2/1। अब इसको मैंने सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद ना जो I1 बाई I2 आ गया वो कितना आ गया बेटा 9/1, ठीक है। सोल्व कर लेना, किसी भी तरीके से सोल्व कर लेना, ये सॉल्यूशन जो रहेगा थोड़ा बेटर रहेगा, जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डेफिनेशन ऑफ दीज इन फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना। देखो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना क्या होता है कि किसी भी एक फोटो सेंसिटिव प्लेट पर अपन जब लाइट को इंसिडेंट कराएं तो उससे उस सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो, फोटो इलेक्ट्रॉन का क्या हो, इमिशन हो, इस प्रोसेस को अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो दो चीजें यहां पर दी है, एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है कि लाइट जब अपन इंसिडेंट करा रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि लाइट इंसिडेंट कराते ही आपका हमेशा आपके फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। लाइट की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, वो आपकी ग्रेटर देन किसके होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। यानी इस फ्रीक्वेंसी पर उस सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो यहां पर दे रखा है, देखो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। समझ में आई बात कि इससे नीचे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे, इससे बाद फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, देखो अपन जब इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट आता है, इसमें दो प्लेट होती है, एक प्लेट ए एक प्लेट सी, ठीक है, एनोड प्लेट बोलते हैं, एक कैथोड प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका जब लाइट आपका प्लेट ए पर इंसिडेंट होगा, ठीक है, तो लाइट से क्या निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लाइट आपकी इंसिडेंट होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, उसी प्लेट पर जाएंगे, उसी प्लेट पर पहुंचते ही आपका सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो एक तो अपन ने क्या किया था कि पहले केस में अपन ने जो दूसरी प्लेट है सी प्लेट है, उस प्लेट को कलेक्टर प्लेट बोलते हैं, उस प्लेट को अपन कोई भी पोटेंशियल नहीं देते हैं और अपन लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो अपन देखते हैं बहुत कम आपका करंट फ्लो होता है। फिर अपन क्या करते हैं कि जैसे जैसे उस प्लेट को कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल जो है उसको पॉजिटिव देते हैं, पॉजिटिव देते हैं, तो पॉजिटिव देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जो निकले थे वो उसकी तरफ भागेंगे, भागेंगे तो सर्किट के अंदर से करंट फ्लो जो हो रहा है उसकी वैल्यू इंक्रीज होने लग जाएगी। तो एक लिमिट आएगी जब उसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू सैचुरेट हो जाएगी सर्किट में, ठीक है। ये कब था, जब सी को अपन ने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था, अब सी को अपन नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, ठीक है। तो नेगेटिव पोटेंशियल देंगे और अपन कह रहे हैं कि सी के वैल्यू का वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर सर्किट के अंदर से जीरो करंट आपका फ्लो होना हो जाए, मतलब करंट जो है सर्किट के अंदर जीरो हो जाए, वो वैल्यू उस आपके कैथोड प्लेट जो आपके लगाई है उस
को अपन कहेंगे पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिस पर सर्किट के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। या अपन कहें कि जो इलेक्ट्रॉन ए से सी पर जा रहे थे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहेंगे अपन आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो आपकी कैथोड प्लेट है, कलेक्टर प्लेट है, उसका आपका वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होना जीरो हो जाता है। देखो लिख भी रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस विच इंसिडेंट बीम ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन द वर्क पोटेंशियल ऑफ, ठीक है, तो जो मैंने बात बोली वही बात ये कह रहा है। समझ में आई बात ये, कि ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर आपका, देखो इमिशन तो होगा, इमिशन तो होगा, पर उस इमिशन में से जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को रोक रहे हैं, तो उनको जब रोक लेंगे तो सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसी पोटेंशियल को अपन क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल को क्या कहा जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय द सेम आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो उनको एनर्जी सप्लाई की है वो सेम सप्लाई की है। तो देखो इसको सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है कि प्रोटोन के लिए फॉर्मूला होता है 0.286 बाय रूट वी और अल्फा पार्टिकल के लिए होता है 0.101 बाय रूट वी। इसको निकाल भी सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बेटा, एच बाई पी। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, एच बाई पी होता है। पी क्या होता है यहां पर, मोमेंटम होता है। तो इस मोमेंटम को अपन कैसे लिख सकते हैं, एच इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी वर्क करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि एच बाई अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी की जगह वर्क क्या होता है, क्यू इंटू बी पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो ये फॉर्मूला आ जाता है। यहां पर अपन इनकी वैल्यू पुट करते हैं, दो इक्वेशन बना लो कि आपका जो लैम्डा हुआ वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, आपका एम क्यू और वी पर। वी तो सेम है, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एम इंटू क्यू, ठीक है। अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके पास जो चार्ज होता है वो प्रोटोन का 2 times होता है, चार्ज जो होता है प्रोटोन का 2 times होता है, पर उसके पास जो मास होता है वो प्रोटोन का 4 times होता है, ठीक है। इतना ध्यान है आपको, तो ये दो इक्वेशन बनाओ और इसको सोल्व कर लो। यदि ये चीजें आपको नहीं याद रहे तो जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से कर लेना। एक बार यहां पर आप प्रोटोन के लिए ले लो, एक बार आप यहां पर अल्फा पार्टिकल के लिए ले लो, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। बेटर रहेगा आप ये मेथड याद रखो, क्योंकि ये मेथड से ही आपको किसी भी प्रकार का पार्टिकल दिया जाए तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बोहर के पोस्टुलेट्स आपको बताने हैं, दो पोस्टुलेट्स बताने हैं, ठीक है, बोहर के। तो देखो बोहर के पोस्टुलेट जो है, पोस्टुलेट वाज दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट द इमिशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी, ठीक है। तीन आपके बोहर के पोस्टुलेट्स हैं, तीन में से आप, अच्छा राइट थ्री, तीनों ही पूछे हैं, ठीक है। तो तीनों आपके बोहर ने क्या बोला था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं आपके न्यूक्लियस के चारों ओर, उनकी जो ऑर्बिट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, ऐसे नहीं कि मनमाए जहां घूमने लग गए। वो रदरफोर्ड ने कहा था कि उसके चारों ओर घूमेंगे, कहीं भी घूम लेंगे, पर इन्होंने बोला था कि उनका एनर्जी लेवल, उनका फिक्स्ड एनर्जी लेवल होगा, और जब वो उसमें घूमेंगे तो उनके ऊपर सर्कुलर मोशन करेंगे। तो जब सर्कुलर मोशन होता है तो उन पर जो आपका कूलम फोर्स लग रहा है वो किससे बैलेंस्ड होगा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स से, ठीक है। तो वो अपन ने डेरिवेशन सा निकाला था एक, कि सेंट्रीपिटल फोर्स आपका कूलम फोर्स क्या होता है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू आपका एम बी स्क्वायर बाई आर। आर रेडियस है, वी उसकी वेलोसिटी है, और जेड उसका एटॉमिक आपका जो है नंबर है, ठीक है, और ई उसका चार्ज है। तो इस प्रकार से अपन उसका पहला पोस्टुलेट लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलता है, सेकेंड पोस्टुलेट बोलता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है केवल उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर आपके रिवॉल्व करेंगे जिसमें मोमेंटम जो है वो एन एच बाई टू पाई इस प्रकार से हो। जो मोमेंटम है उनका, सॉरी ये एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, उनका जो एंगुलर मोमेंटम है एल इक्वल टू वो क्या हुआ आपका एन एच बाई टू पाई, ठीक है। एच क्या है यहां पर, एच यहां पर है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, एन ऑर्बिट्स हैं और टू पाई, कि उनका एंगुलर मोमेंटम है वो आपका किस प्रकार से हो, एन एच बाई टू पाई,
ठीक है, उन्हीं ऑर्बिट्स में ये आपके रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड आपका क्या था, देखो L इक्वल टू एनएस बाई टू पाई। थर्ड आपका था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आपके लेवल में आए, तो वो एनर्जी को बाहर निकालेंगे, एनर्जी एक्सेप्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एच न्यू, फोटोन के फॉर्म में। ठीक है, फोटोन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज आपका दिया हुआ है, देन डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द एन इक्वल टू टू एंड एन इक्वल टू थ्री ऑर्बिट्स। तो देखो अपन ने जब इसका डेरिवेशन किया था कि रेडियस जो आती है वो आर इक्वल टू आती है आपका 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और ये किसमें रहती है, एंगस्ट्रम के अंदर रहती है। ठीक है, एंगस्ट्रम के अंदर रहती है, तो हाइड्रोजन है तो जेड का वैल्यू वन हो जाएगा। एन का वैल्यू आपको यहां पर बदलना है, एन का वैल्यू एक बार तो बोल रहा है टू रख दो, एक बार बोल रहा है थ्री रख दो, तो ये वैल्यूज अपन पुट करके देखेंगे तो आर का वैल्यू आपका आ जाएगा। इन्होंने इस प्रकार से निकाल रखा है कि आपका ये जब अपन एन का वैल्यू टू रखेंगे तो फोर इंटू आर वन हो गया, और जब थ्री रखेंगे तो थ्री इंटू आर वन हो गया, आर वन का वैल्यू 5.3 इंटू 10 का पावर जो दिया हुआ है वो, और ये भी सही एंगस्ट्रम है, ये मीटर में दिया हुआ, ये एंगस्ट्रम में है, एंगस्ट्रम जो होता है वो होता है 10^-10 मीटर। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका तीन नंबर के अंदर है, राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन बाई गॉसेस लॉ। ठीक है, डायग्राम भी रिक्वायर्ड है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आया है अभी। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या बताता है, फ्लक्स बताता है कि किसी भी सरफेस के अंदर कितनी, किसी भी सरफेस के अंदर कितनी परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो सकती है, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर से परपेंडिकुलरली पास होंगी उससे लिंक्ड सरफेस से फ्लक्स उतना ही होगा। तो फाई इक्वल टू, देखो फाई इक्वल टू क्या आता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, आपका फ्लक्स इज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो अपन इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और आपका गॉसेस लॉ क्या होता है कि किसी भी सरफेस के अंदर टोटल जो चार्ज है वो आपका 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, किसी भी सरफेस के अंदर टोटल चार्ज प्रेजेंट जो है वो 1/ε0 टाइम्स होता है उस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स के लिए। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको इसमें दे रखी हैं सारी चीजें। नेक्स्ट इसका डेरिवेशन जो है गॉस लॉ को अप्लाई करके इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। देखो अपन डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका मॉडल पेपर था, उसमें अपने क्या देखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16th वो है राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर से परपेंडिकुलरली कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो सकती है, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी उतना ही ज्यादा उस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स होगा। फ्लक्स जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है और ये डॉट प्रोडक्ट होता है दो क्वांटिटी का, एक तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एक आपका सरफेस एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखा हुआ है आपका फाई इक्वल टू क्या है, ई ए कोसाइन थीटा, अपन लिख सकते हैं फाई, फाई डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, अब इसका जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू a uniformly charged state wire of infinite extension by Gauss's law. उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ये बोल रहा है कि इनफाइनाइट लेंथ का आपका वायर चार्ज वायर है, उसके कारण किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो अपन गॉसेस लॉ का हेल्प करके एक इमेजिनरी 3D गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं, और उस सरफेस से आपका जो भी फ्लक्स पास हो रहा है उसकी हेल्प से अपन क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो अपना फाई जो होता है, फाई इक्वल टू क्या था आपका, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर।
एक छोटा सा सरफेस अज्यूम करेंगे और उस सरफेस से लिंक फ्लक्स को निकाल लेंगे और ये किसके इक्वल है, समेशन ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन, ये आपका गॉसियन लॉ था और ये डेफिनेशन थी फ्लक्स की। तो ये दोनों यूज करके अपन एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस अज्यूम करेंगे। देखो यहाँ पर एक इमेजिनरी, ये जो सरफेस बन रहा है ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है। इस सरफेस में कितने सरफेस एरिया है, 1, 2, 3, इन तीनों सरफेस एरिया से टोटल कितना फ्लक्स पास हो सकता है उसको अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपका जो कर्व सरफेस है उसमें अपन एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेंगे जिसको अपन dA1 वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। प्लस चार्ज से अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती है, ये आउटवर्ड जाएंगी और इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, मतलब इन दोनों के बीच थीटा कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर एक ऐसा ही सरफेस लेंगे छोटा जिसको dA2 वेक्टर बोल सकता हूँ, ठीक है। सिलेंडर कुछ इस प्रकार की शेप का होगा, जैसे ये बोतल है इस प्रकार की शेप का, ठीक है, ऊपर सर्कुलर नीचे भी सर्कुलर और ये वाली कर्व सरफेस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिवली बाहर की तरफ है और इसमें आपका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल थीटा 0। इसमें इसका छोटा सा एक एरिया लेंगे, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे। सेम सिमिलरली नीचे भी ऐसा ही होगा, तो इन दो सर्फेस से कोई भी क्रॉस पास नहीं होगा, केवल इस सर्फेस से क्रॉस पास होगा, ठीक है। और इस सर्फेस का जो कर्व सर्फेस एरिया होता है वो कितना हो जाएगा बेटा, 2πr × L। आर क्या है, इसकी रेडियस, ये आर क्या है, इसकी रेडियस, और एल क्या है, इसकी लेंथ, तो 2πr × radius, ठीक है। तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। फिर अपन तीनों सरफेस को सोल्व करने के बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तीनों सरफेस को अपन सोल्व कर लेते हैं और आपका कितना आ जाएगा, फाई आपका 2πr L एरिया इंटू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो सरफेस कर्व सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पे कॉन्स्टेंट रहेगा, वो आ गया, ठीक है। फाई टू का वैल्यू अपन क्यू बाई एप्सिलॉन, फिर Q की जगह लैम्डा इनटू L, लैम्डा क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी है और L इसकी लेंथ है। इस प्रकार से अपन सोल्व करके ये निकाल लेते हैं, यहां से बेटा इलेक्ट्रिक जो फील्ड आया उसका वैल्यू आया आपका 1/2πε₀ लैम्डा बाई आर। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई, फिर 1/4πε₀ हो गया जिसको अपन K बोलते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2K लैम्डा बाई आर। समझ में आया कि नहीं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका जो चार्ज इनफाइनाइट लेंथ का वायर है उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एम्पियर सर्कुलर लॉ, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। तो देखो इनफाइनाइट जो वायर होता है करंट कैरिंग वायर उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का किसी पॉइंट पर अपन वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, पी पॉइंट पर। तो उसका अपन ने वैल्यू फाइंड किया था किसकी हेल्प से, आपका बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से, तो वो एक डेरिवेशन काफी लेंथी हो जाता है। यहाँ पे डेरिवेशन बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बोलता है कि किसी करंट कैरिंग वायर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू किसी पॉइंट पर निकालने के लिए अपन एक 2D इमेजिनरी एम्पियर सरफेस अज्यूम करेंगे, जैसे गॉसियन लॉ में अपने 3D पर यहां पे 2D इमेजिनरी सरफेस अपन अज्यूम करेंगे। यहां पर देखो यही बोलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका लाइन इंटीग्रल किसी पॉइंट पर वो जिस मीडियम में वो रखा होता है उसका आपका परमियबिलिटी और जितना चार्ज उस आपके इमेजिनरी सरफेस के अंदर आपका इनक्लोज्ड है उसका समेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एम्पियर लो होता है, ठीक है। फिर अपन इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, अपन ने एक पी पॉइंट पर निकाल दिया, तो पी पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कुलर सरफेस इमेजिन कर लिया, उस पे एक छोटा सा डी एल लेंथ का अपन ने एक स्ट्रिप ले लिया, जो डी एल लेंथ जो होगा वो आपका जैसे ये वायर है और ऐसे सर्कुलर सरफेस है, डी एल इधर लिया तो उसका एरिया वेक्टर बोर्ड के अंदर की तरफ, और इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो अंगूठा करंट डायरेक्शन में और अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है और डी एल भी अंदर है, तो दोनों के बीच थीटा क्या हो गया, यहाँ पर थीटा क्या हो गया, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 लिख लीजिए, जो कि अपन यहाँ यूज कर रहे हैं कि BDL cos 0, B जो रहेगा इसके हर एक पॉइंट पे आपके 2D सर्कुलर सरफेस के हर एक पॉइंट पर B का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, तो B को अपन ने बाहर निकाल लिया, क्लोज इंटीग्रल DL इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। क्लोज इंटीग्रल DL को जब सोल्व करेंगे तो देखो ये छोटे छोटे DL 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 सारे जुड़ के ये आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल आ जाएगा जिसका वैल्यू होता है बेटा 2πr।
तो आगे अपन सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। ठीक है, बहुत ही आसान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन है बेटा, 3 मार्क्स का ही है। तो ये बोल रहा है व्हाट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इंटरप्रेट बाइंडिंग एनर्जी कर्व, आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व बताना है। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन हर एक दो साल में छोड़ के आता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो अपने मास इफेक्ट पढ़ा था कि अपने क्या बोला कि जो आपका कोई भी न्यूक्लियर फॉर्म होता है तो उसका कैलकुलेशन से जो मास मिलता है वो और जो एक्चुअल मास मिलता है जो अपन मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ से उनमें डिफरेंस आता है। ठीक है, कैलकुलेशन से अपन जो मास निकालिए तो कैलकुलेशन से जो मास निकाला था अपन ने वो अपन कहें समेशन ऑफ m या केवल mc लिख दें उसको, तो वो कितना आया था आपका कैलकुलेशन से आपका नंबर ऑफ आपका अपन क्या लिखेंगे उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, तो उसको प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं a से, a m into p। ठीक है, a से नहीं करेंगे सॉरी z से करेंगे, किससे करते हैं अपन z से, रुको अपन किससे करते हैं इसको z से, a तो आपका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा बेटा आपका z mp प्लस कितने आपके न्यूट्रॉन हैं तो n mn, ये कौन सा मास आ जाएगा कैलकुलेटेड मास आ जाएगा, अपन कैलकुलेट करके निकालेंगे। एक मास जो होगा mc एक्चुअल मास जो कि स्पेक्ट्रोग्राफ से मेजर करेंगे, तो आपका mc जो होता है वो बेटा ग्रेटर देन कितना होता है ma, तो जो डेल्टा m लिखते हैं वो क्या लिखते हैं अपन mc माइनस ma। तो ये जो मास में डिफेक्ट होता है ये आइंस्टीन की एनर्जी मास इक्वेशन क्या होता है आइंस्टीन का e इक्वल टू डेल एमसी स्क्वायर। इतना ये जो मास आपका डिफर कर रहा है, ये जो मास में आपका डिफरेंस आता है या आपका डिक्रीमेंट होता है कमी होती है इसको ही अपन क्या कहते हैं मास डिफेक्ट, इसको क्या कहते हैं बेटा मास डिफेक्ट। ठीक है, और ये जो मास डिफेक्ट है ये आइंस्टीन की जो एनर्जी मास इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये मास किसमें चला जाता है एनर्जी में, और वो एनर्जी ही क्या होती है बेटा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो किसी भी आपके न्यूक्लियर का फॉर्मेशन होता है तो उसके फॉर्मेशन हो या वो टूटे तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, और ये एनर्जी जो आपकी कौन सी कहलाती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या बताता है, इस स्टेबिलिटी को बताता है कि कौन सा एटम कितना ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो बेटा इसके लिए क्या होता है आपके जो एटॉमिक मास लगभग 30 से लेके 170, ठीक है 30 से लेके 170 आपके एटॉमिक मास वाले जो भी न्यूक्लियाई होते हैं उनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन 8 आपके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आपका जो ये ग्राफ बताता है स्टेबिलिटी कर्व को बताता है। ठीक है, तो इसमें अपन ने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है किसके कंपेयर में स्टेबल है। ठीक है, तो उसके लिए अपन ने ग्राफ बनाया है। अब 170 से आगे जो मास नंबर है उधर वाले जो मास नंबर होंगे वो क्या करेंगे, वो आपके टूटेंगे और आपका छोटे स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज होंगे, जो आपका 30 से लेके 170 के बीच वाला जो रीजन है उसमें आना चाहेंगे। ठीक है, और जो छोटे न्यूक्लियाई होंगे वो जुड़कर और किसमें जाएंगे उस 30 वाले रीजन या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जिनकी आपका 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा हो या उस उतनी हो। ठीक है, उसमें बदलना चाहेंगे। ठीक है, तो ये इधर वाले इधर आएंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन और इधर वाले आपके न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस शो करेंगे। समझ में आएगा, इसमें लिख भी रखा होगा ये सारे पॉइंट। ठीक है, ये कौन सी न्यूक्लियर फ्यूजन और कौन सी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है। ठीक है, ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होती है कि आपका जो लाइट न्यूक्लियाई है वो तो आपके ऐसे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होंगे या जिन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी कम है वो आपके जुड़ के बड़े न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होंगे, बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी बाहर। ठीक है, और दूसरे जो हैवी न्यूक्लियाई होंगे वो एनर्जी को क्या करेंगे रिलीज करके आपके छोटे न्यूक्लियाई में जो ज्यादा स्टेबल है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है उनमें कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है आपका ये ग्राफ आपका स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये आ गया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर और ये आपका मास नंबर के बीच में ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, माइक्रोस्कोप क्या होता है।
derive the formula for magnification by a simple microscope when image is formed by it at a least distance of distinct vision. मैंने बताया था least distance of distinct vision क्या होती है, जब image आपकी कहाँ पे form होती है, जब image form होती है आपके d पर 25 centimeter पर, ठीक है। तो अपन ने देखा microscope क्या करता है, आपका छोटे object को देखने के लिए use किया जाता है, ठीक है। और माइक्रोस्कोप दो होते हैं आपके, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो आपका जो काम नहीं करता है वो अपन कंपाउंडिंग से करते हैं, फिर आपके एक के बाद एक, एक के बाद एक अपन लेंसेज अप्लाई कर देते हैं। आपके सिलेबस में केवल दो ही लेंसों का है और बहुत सारे अपन लेंस लगा के कर सकते हैं। अपन ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जिससे अपन पावर इंक्रीमेंट करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। लेंस को रखेंगे, यहां पर कौन सा लेंस यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। और जो अपन ने कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो छठा केस पढ़ा था, सिक्स्थ केस जो कॉन्वेक्स लेंस का था कि इमेज अपन ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखेंगे अपन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेजिनरी बनेगी, ठीक है, या वर्चुअल कह देंगे उसको, इरेक्ट बनेगी और ऑब्जेक्ट की ओर ही बनेगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ठीक है। तो वो होता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, देखो इस प्रकार से, ठीक है, अपन ने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया, इमेज फॉर्म हो गया A'S, B'S, ठीक है। फिर अपन इसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं। आपका मैग्निफिकेशन जो होता है माइक्रोस्कोप का, मैंने बताया था बीटा बाई अल्फा होता है। बीटा क्या होता है, जहां लास्ट इमेज फॉर्म होती है उस ने कितना आपका एंगल फॉर्म किया, लास्ट इमेज जो है उसने कितना एंगल फॉर्म किया, देखो ये बीटा है, ठीक है, ये कितना है यहाँ पर बीटा लिखा हो, लास्ट इमेज जो आपका फॉर्म कर रही है एंगल उसको अपन बीटा कहते हैं। अल्फा आपका क्या होता है, अल्फा आपका लीस्ट डिस्टेंस पर, यदि मैं माइक्रोस्कोप नहीं रखूं केवल आप बिना उसके देख रहे हो उसको, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जब ऑब्जेक्ट रखा था तब कितना एंगल बनता है, ठीक है। तो उसके लिए आपका ये अपन ने निकाल दिया टेन बीटा निकाल गया ये ट्रायंगल यूज करके, जो कि क्या आ गया ए डैश बी डैश बाई डी, ठीक है। दूसरा आ गया आपका टेन अल्फा ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश। देखो जब कोई भी आपका जो भी ये नहीं रखा था तब ये सिंपल कितना एंगल बना रहा था अल्फा, ठीक है। मैंने अलग से कराया था कि आंख आपका केवल आंख है और ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया था वो अल्फा, माइक्रोस्कोप नहीं है केवल अपन अपनी आंख से देख रहे हैं, तो आपका क्या हो गया ये, या दोनों को अपन ने बोला कि बहुत स्मॉल एंगल है इसलिए टेन बीटा इक्वल टू अल्फा, टेन बीटा इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा और टेन अल्फा इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, दोनों चीजें अपन ने रखी और रखने के बाद अपन ने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। फिर अपन ने वो कंडीशन सोल्व करने के लिए अपन ने लेंस फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है, और लेंस फॉर्मूले से अपन फिर इसको आगे सोल्व कर लेंगे कि आपका कहां कहां इमेज फॉर्म हो रहा है और ये आपका सोल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका और का क्वेश्चन है, इसका चार नंबर का क्वेश्चन है, डिफाइन रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको बताया कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चल के जाती है तो अपने पास से डेविएट हो जाती है, इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अब रिफ्रैक्शन दो टाइप से होता है, रियर मीडियम से डेंसर में जाए और डेंसर से रियर में जाए। रियर से डेंसर में जाएगी तो बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और डेंसर से रियर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, रिफ्रैक्शन की प्रोसेस थी। अब रिफ्रैक्शन अपन एक कर्व सरफेस से करा रहे हैं, कांच ले रहे हैं कर्व सरफेस का उससे करा रहे हैं, तो इन आपका एयर एक मीडियम, एक मीडियम एन वन और एक मीडियम एन टू है, एन टू मीडियम अपन ग्लास का कंसीडर कर रहे हैं, एन वन जिस मीडियम से आपका लाइट रेज में एंटर करती है, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस होती है यहाँ पर, यहाँ पर अपन ये लाइट यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पर आपका इमेज फॉर्म हो रहा है और ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, जो कि कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इनके मध्य इस डेरिवेशन को सोल्व करेंगे और इस डेरिवेशन को सोल्व करके अपन यहाँ से देखो सिमिलर प्रोसेस अपन ने किया है कि एंगल आई एंगल आर इनको सोल्व करके ये अपन ने स्नेल्स रूल लगा दिया है। स्नेल्स रूल लगाने के बाद अपना लास्ट फॉर्मूला जो आ गया है वो ये आ गया है, और मैंने जो नोट्स में कराया है वो आपका अलग तरीके से कराया है, वो मैंने ट्राइंगल लेके कि यहाँ एंगल आपका कितना बन रहा है अल्फा, यहाँ आपका एंगल कितना बन रहा है, ये आर है, ये आई है और ये आपका बीटा है और ये आपका गामा एंगल है, ठीक है, ये कितना एंगल है गामा। तो अपन यहाँ पर ट्राइंगल लेते हैं और एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है और उस प्रकार से लेके अपने उसको सोल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, तो देखो जब अपन एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें आपके तीन बैंड का फॉर्मेशन होता है। सबसे नीचे जो होता है वो कौन सा बैंड होता है बेटा, आपका सबसे नीचे जो बैंड होगा वो आपका होता है वैलेंस, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये पार्शियली फुली और पार्शियली फिल्ड होता है, ठीक है,
इनर बैंड जो होते हैं वो कंप्लीटली फिल्म होते हैं, कंडक्शन बैंड आउटर मोस्ट आपकी जो सेल होती है वो होती है। जब अपन एनर्जी देते हैं उस एटम को तो इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर जाता है आपका हायर लेवल वाली एनर्जी स्टेट्स में, ठीक है। तो ये आपका इम्पिटी और पार्शियली फिल्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में कहेंगे। तीन बैंड का फॉर्मेशन होगा, कंडक्शन, वैलेंस और बीच में कौन सा आता है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। सबसे नीचे कौन सा, सबसे नीचे है वैलेंस, सबसे ऊपर है कंडक्शन और उनके बीच में बनता है फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। यही इस चीज इसमें लिखा हुआ है कि आपका ये क्या क्या चीज है। फिर आपका इसमें अपन इसका डायग्राम से इनको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या होता है। सो द कंडक्शन बैंड, फॉरवर्ड एनर्जी बैंड का वैलेंस बैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। ये अपन इनके बारे में लिखेंगे और ये डायग्राम से अपन इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर मैंने बताया था दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक तो इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इंट्रिंसिक से वो काम नहीं हो रहा था, क्योंकि इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाकर बढ़ाई जाती थी जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर अपन ने बनाया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के थे, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। नेगेटिव को कहा क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्ड होते हैं। पॉजिटिव टाइप को कहा क्योंकि इसमें मेजॉरिटी टाइप जो आपके होते हैं वो होल्ड होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका अपन एन टाइप के बारे में जो है एक्सप्लेन करेंगे कि इस सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए अपन पेंटावेलेंट आपकी इंप्योरिटी मिलाएंगे 15th ग्रुप की, ठीक है। उसको मिलाएंगे तो उसका जो एटम आपके मिलेगा उसको अपन क्या कहेंगे, डोनर एटम बोल देंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। उसके चार इलेक्ट्रॉन तो आपके सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने में एंगेज हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेगा, इसीलिए इसको कहते हैं अपन आपका डोनर टाइप इंप्योरिटी। इसका जस्ट उल्टा होता है पी टाइप, जो आपका 13 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनको जब मिलाते हैं तो तीन तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे और एक आपकी वैकेंसी रह जाएगी, वो वैकेंसी क्या कहलाएगी आपकी होल, इसीलिए वहां पर आपका क्या होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, ठीक है। यही सारे पॉइंट बता रखे हैं इसमें। और आपका ये एन टाइप सेमीकंडक्टर ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। Their conductivity is more than that of intrinsic semiconductor. Why? तो क्यों होता है ये मैं आपको बता दिया कि ये already आपका जो आपके charge carrier है वो provide कराते हैं, अपन कुछ नहीं कर रहे। N type semiconductor, P type semiconductor अपने आप ही जब इनको मिला दिया तो अपने पास क्या मिल गए, charge carriers, ठीक है। क्योंकि जब अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं तो उनमें आपके जर्मेनियम सिलिकॉन का आपका क्रिस्टल होता है, उसके अंदर सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो सारे कोवलेंट बॉन्ड में लगे रहते हैं। तो उनको तोड़ेंगे कैसे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। तो टेम्परेचर को बढ़ाना हर जगह पॉसिबल थोड़ी, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए उनकी ज्यादा होती है एक्सप्लेन विद डायग्राम। डायग्राम से आपको इनमें एक्सप्लेन करना है कि किस प्रकार से अपन इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो उसमें तो अपन सिंपल अपन डायग्राम बनाएंगे सिलिकॉन का और सिलिकॉन से सारे आपके क्रिस्टल के अंदर जोड़ देंगे चार चार बॉन्ड लगा के। इसका डायग्राम जो बनाएंगे वो आपका मोबिल इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया हुआ है और मोबिल इलेक्ट्रॉन देखो दो 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 ये सारे कोवलेंट बॉन्ड बन गए और यहाँ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाता है, वही इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका क्या करता है कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। इसलिए जो आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि वो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं, जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो आपको जो फ्री इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर है वो प्रोवाइड नहीं कराते हैं, उनको प्रोवाइड कराने के लिए, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए या वो चार्ज कैरियर बनाने के लिए अपने को बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिए हैं कि किस प्रकार से इनके अंदर चीजें होती हैं। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो छोटे क्वेश्चन में आती है, बड़े क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे, मैंने जो आपको कराए हैं नोट्स के अंदर बड़े क्वेश्चन वो ही होंगे 101%, चार नंबर में, तीन नंबर में, मैक्सिमम डेढ़ नंबर में भी सारे के सारे हो जाते हैं। पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जितने ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे, नॉन पढ़ोगे, छोटे छोटे पॉइंट पढ़ोगे, आपके क्वेश्चन कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है।